चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। कसली एक छोटा लालची बच्चा था। उसे हमेशा अपनी पसंद की चीजें ज्यादा चाहिए होती थी। मॉम, मुझे चाहिए कुछ कॉटन कैंडी। पर तुम्हारे पास पहले से ही कुछ है कासली। हाँ, पर मुझे और भी चाहिए। एक दिन चूचू की मम्मी ने सभी बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया। कासली, चूचू की मम्मी ने तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया है। उम्मीद है तुम तमीज से पेश आओगे और अच्छे से रहोगे। फिक्र मत कीजिए मॉम। बच्चों, तुम अपनी पसंद की आइसक्रीम का स्कूप ले सकते हो। तो जो भी स्वाद तुम्हें अच्छा लगता है उसे चुन लो। सभी बच्चे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। उन सभी ने अपनी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम चुन ली। मुझे चाहिए एक स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम का। मुझे वनेला का एक स्कूप चाहिए। एक स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मेरे लिए। मैं लेना चाहूँगा एक स्कूप यम्मी बटरस्कॉच का। चूचू, चाचा, चीका और चीकू बहुत अच्छे से पेश आए। उन सभी ने अपनी पसंद की आइसक्रीम चुन ली। पर जब कसली की बारी आई तो वो बहुत लालची हो गया। मुझे चाहिए चॉकलेट, वनिला, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच। मुझे चाहिए सबका एक एक स्कूप। मुझे आइसक्रीम के 4 स्कूप चाहिए। आइसक्रीम की दुकान पर खड़े आदमी ने कसली को आइसक्रीम के 4 स्कूप्स दिए। उसने एक के ऊपर एक 4 स्कूप रख दिए। ये देखकर कसली बहुत खुश हुआ कि उसके पास 4 स्कूप्स हैं। चॉकलेट, वनिला, स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच। मैं इन सबको खाऊंगा। पर जैसे ही कसली आइसक्रीम खाने वाला था, सारे 4 स्कूप हिलने लगे और फिर जमीन पर जा गिरे। अरे नहीं! कसली के पास रह गया बस एक खाली आइसक्रीम कोन। ओ नहीं, मेरी आइसक्रीम फर्श पर गिर गई है। कसली, तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए एक स्कूप ही काफी था आइसक्रीम का। कसली ने सोचा कितना अच्छा होता अगर उसने लालच नहीं किया होता। मैंने अपनी सारी आइसक्रीम्स गिरा दी। अब मेरे कोन में एक भी आइसक्रीम स्कूप नहीं बचा। चूचू की मम्मी बहुत बड़े दिल की थी। उन्होंने कसली को एक और आइसक्रीम दिला दी। कसली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और आइसक्रीम दिला दूंगी। मुझे सिर्फ एक स्कूप चाहिए चॉकलेट आइसक्रीम का, प्लीज। सिर्फ एक स्कूप। चूंकि कसली ने इस बार लालच नहीं की, इसलिए उसने आइसक्रीम की हर बाइट को मजे से खाया।